أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونصلي ونسلم على رسولنا الصادق الأمين أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع ومن عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها علی وقار مشاہدین اور مشاہدات سامعین اور سامعات دنیا بھر سے ہمیں سننے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہمارا موضوع سخن ہے اس میں گرامی اللہ جل جلالہ کی 40 لفظی خصائص جس کے 3 ایپیسوڈ ہمارے یوٹیوب چینل فیس بک انسٹاگرام اور ٹیلی گرام پہ اپلوڈ ہو چکے ہیں اور آپ مشاہدین اور مشاہدات اور سامعین اور سامعات میں سے بہت سے لوگوں نے اس کو سنا بھی ہے اور پسند بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج 4th ایپیسوڈ لے کے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں اب تک آپ کے سامنے رب ذوالجلال کے اسم گرامی اللہ کی 30 خصوصیات لفظی خصوصیات بیان کی جا چکی ہیں 31 خصوصیت اللہ کا یہ جو اسم گرامی ہے وہ حروف لینہ حلقیہ جوفیہ سہلہ سے بنا ہے اور حروف الف مد لام ہا ہیں اس اسم گرامی کو جس طرح ایک قدیم نسلی اور روایتی مسلمان بڑی سہولت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے ایک نیا عجمی مسلمان بھی بڑی آسانی سے بول لیتا ہے چاہے جس طرح بھی آپ اس کے حروف کو آگے پیچھے کر لیں اس میں الوہیت کا معنی پیدا ہو ہی جاتا ہے مثال کے طور پر لا الہ الا اللہ 32 خصوصیت اس نام نامی اور مبارک اسم گرامی کی لغت عرب میں کوئی تثنیہ وارد نہیں ہوتی
वो चूंकि अल वाहिदुल अहद है इसलिए वो मुफरद ही बोला जाता है। मिसाल के तौर पर इलाहुन का लफ्ज़ है, उसकी तस्निया इलाहान और उसकी जमा आलिहतुन आती है, लेकिन इसमें गिरामी अल्लाह उसकी न तस्निया है और न जमा आती है। इसी तरह से 33वीं खसूसियत इस इसमें गिरामी बल्कि इसमें आज़म के जमहूर के बकौल लगत अरब में इसकी कोई जमा भी नहीं आती, ये मुफरद है। चूँकि वह अल वाहिदुल अहद है इसलिए मुफरद ही रहेगा और मुफरद ही बोला जाएगा। 34वीं खसूसियत इस इसमें गिरामी की बल्कि इस इसमें आज़म की लगत अरब में इसकी कोई तानिस भी नहीं आती। बहुत से अस्मा मुज़क्कर भी हैं और उनकी तानिस भी आती है। इसमें गिरामी अल्लाह के लुगत अरब में इस जैसा किसी मखलूक का नाम नहीं रखा गया और ना उस जैसी किसी की सिफात ही हैं। 35वीं खसूसियत इस इसमें ख़ास और आलम ख़ास नाम नामी इसमें गिरामी ये जामिद नहीं है बल्कि मुश्तक है और दुनिया के मुख्तलिफ लुगात के बावजूद तमाम लोगों की ज़ुबान पर सबसे ज़्यादा आसानी के साथ सारी और जारी होने वाला नाम है। चूँकि इस नाम में कोई नुक्ते वाला हर्फ भी नहीं है और बड़े आसान हरूफ से मिलकर बना है। 36वीं खसूसियत यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितने साबित शुदा अज़कार हैं, औराद हैं, वज़ाइफ हैं, रब ज़ुलजलाल के इसी नामे नामी इसमें ग्रामी के साथ जुड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर जब हम कुरान पढ़ते हैं तो इस्तेआदा से उसका आगाज़ करते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, फिर उसके बाद बसमला, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तस्बीह, सुभानअल्लाह, तहलील, ला इलाहा इल्लल्लाह, तहमीद, अल्हम्दुलिल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, हवकला, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, हस्बला, हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अलैहि तवक्कलतु वहुव रब्बुल अर्शिल अज़ीम, इस्तिरजा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब भी कोई मुसलमान तकबीर कहता है तो इस मुबारक नाम का तज़करा होता है, जब भी कोई तहलील कहता है तो उस नाम का ज़िक्र होता है, जब भी कोई अल्लाह की हमद सना बयान करता है तो इस नाम का तज़करा हो जाता है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमला साबित शुदा अज़कार इसी नाम नामी इसमें ग्रामी के साथ जुड़े हुए हैं। 37वीं खसूसियत इस्लाम के 5 अरकान हैं, उनमें शहादतें, सबसे शहादतें का इकरार और एतराफ़ सबसे पहले है, उसके बाद दूसरा रुकन इंतहाई अजीम रुकन है वो भी, और वो नमाज़ों को कायम करना, इकामतुस्सला, नमाज क्योंकि 7 आसमानों के ऊपर फ़र्ज़ की गई है, उसका आगाज़ भी देखें आप, उसके इख्तिताम भी देखें, तहरीम व तकबीर व तहलील व तस्लीम तस्लीम। नमाज के आगाज़ में हम अल्लाहु अकबर कहते हैं, इसके बग़ैर हमारी नमाज शुरू नहीं हो सकती। नमाज जब हम ख़त्म करते हैं तो दोनों तरफ सलाम फेरते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आखिरी जो मुबारक नामी इसमें ग्रामी हमारे ज़ुबान से निकलता है नमाज के इख्तिताम पर भी, वो यही इसमें ग्रामी है। नमाज में हम आप एक रुकन से दूसरे रुकन, एक वाजिब से दूसरे जानिब के जानिब मुंतकिल होने से पहले भी हम तकबीरात कहते हैं, अल्लाहु अकबर कहते हैं, इसमें भी इसमें ग्रामी अल्लाह
मौजूद है। 38वीं खुसूसियत, नमाज जो इस्लाम का दूसरा अहम तरीन और अजीम तरीन रुकन है, उसका जब वक्त शुरू हो जाता है तो अजान के ज़रिए ऐलान होता है, और जब नमाज खड़ी होती है तो इकामत कही जाती है। तो आप अजान और इकामत में भी देखें, दो जुमलों के अलावा हय्या अलस्सलाह हय्या अलफलाह, बाकी तमाम जुमलों में ये मुबारक नाम और इसमें ग्रामी अल्लाह मौजूद है। 39वीं खुसूसियत, इस इसमें ग्रामी के साथ कभी तनवीन नहीं आती। मिसाल के तौर पर अल्लाह के इसमें ग्रामी रहमान और रहीम से अलिफ लाम हटा दें तो रहमानुन रहीमुन आप तनवीन के साथ बोल सकते हैं, लेकिन इस इस्मी ग्रामी पर कभी तनवीन आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें जो अलिफ लाम है वो उसकी खासियत बन चुका है, उसको वाले में ख़ास है उस। और 40वीं खसूसियत इस इस्मी ग्रामी की ये है कि बग़ैर नुक्तों वाले हरूफ से मिलकर बना है। ये इस बात की जानिब इशारा है कि अल्लाह की ज़ात ग्रामी क़दर अपने इस इस्मी ग्रामी और दीगर तमाम अस्माए ग्रामी और उनसे साबित होने वाली जुमला बुलंद वाला सिफात में वो मुनफरिद था, मुनफरिद है और मुनफरिद रहेगा। 41वीं खसूसियत इस इस्मी ग्रामी की यह है कि इस नामे नामी इस्मी ग्रामी के ज़मीन से उठ जाते ही क़यामत कायम हो जाएगी। सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम ने किताबुल ईमान में एक बाब कायम किया है, बाब उदहाबल ईमानी फ़ी आखिर ज़मान। उसमें हज़रत अनस से एक रिवायत लाए हैं, अन अनस अन्न रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله। قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ روئے زمین میں کوئی ایک شخص بھی ایک توحید پرست بھی اللہ کا اس مبارک نام کو لینے والا باقی رہے گا۔ جب آخری توحید پرست اس دنیا سے اٹھ جائے گا تو یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ قیامت قائم کر دیں گے۔ محترم ناظرین اور ناظرات، سامعین اور سامعات، اللہ کے اسم گرامی کی 40 سے زیادہ لفظی خصوصیات آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ رب العزت والجلال کے اس نام نامی کی معنوی خصوصیات لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، پھر اس کے بعد اس نام کو کی معرفت حاصل کرنے کے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوں گے، اس کے فوائد پر ہم گفتگو کریں گے، پھر اس کے بعد اس اسم گرامی کے اسم اعظم ہونے کے تعلق سے بھی ہمارے ایک سے دو ایپیسوڈ انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، آپ کی حسن سماعتوں کا بہت شکریہ، اجازت دیجئے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔